नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? जी स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। पहला तो सवाल हमने लिया है, वह क्या लिया है, वह जी आपको दिखाएगी और जी नहीं बताएगी क्या है, क्योंकि किचन का डिपार्टमेंट है और जो भी हमारे डिपार्टमेंट का चीज होगा वो हम बताएंगे। बहुत बढ़िया, हां ठीक है। क्या तुमको दिखाना है, क्या हमको दिखाना है? बिल्कुल, तो तुम दिखाओ। ये दिखा दे, ये नैपकिन है। इसका किचन में बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ये देख सकते हैं। पहले भी हमारे पास था लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा। बिल्कुल जी हाँ, किचन गंदा करती रहती है तो उसको साफ करने के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो ले लिया। पकड़ने के लिए भी चाहिए, गंदा करने के लिए भी, हाथ जल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। पहले भी था हमारे पास लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा, लेकिन इस बार साइज भी हमारा बड़ा है। और उस बार हमने ऑफलाइन लिया था, इस बार हमने ऑनलाइन लिया है और ऑनलाइन हमें सस्ता भी पड़ा है। जी जी हाँ, तो वो बात जो करना चाहिए करना चाहिए। उससे पहले हम बता दें कि इसका अल्टरनेटिव भी यूज होता है, जैसे हम लोग का अंडरवियर हो गया, हम लोग का पैंट हो गया, निकर हो गया, तो पिछले कुछ महीनों से जो हम लोग उन सबसे थोड़ा ऊपर उठ गए, यहाँ कपड़ा मंगा लेते हैं। ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कॉटन का कपड़ा है और कलर भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। किचन में तुमको साफ सफाई करना है, सामान उठाने से कलर क्या देखे, सब चीज देखने में थोड़ी अच्छी। बहुत बढ़िया। तो जी इसका दाम है लगभग कितना है? 234 रुपया। और इसका कोड जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो अगर आप लोग लेना चाहे तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा यह तो बताना भूल ही गए कि यह सामान जो है हमने मीशो से लिया है, और मीशो के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और जो मीशो ऐप का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वहाँ से सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको शॉपिंग करना है मीशो से, अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करके शॉपिंग करोगे तो आपको 30% का ऑफ भी मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पर। ये तो बताना भूल गए, ये 10 का सेट है। 234 रुपये में 10 का सेट, मुझे लगता है कि ठीक ही प्राइस है। हाँ, और हमने बाहर से जब लिया था ना थोड़ा कॉस्ट भी पड़ा था और इतना बड़ा साइज भी नहीं था, आपको दिख रहा है वही दिल्ली के उत्तम नगर में लिए। ठीक है, तो अब दिखाते हैं जी आपको अगला सामान। तो अगला सामान जो है जी ये है भगोना, इसका 3 का सेट है, देख सकते हैं। एक हमने यूज में ले लिया है, तो बिल्कुल अभी कुछ देर पहले हमको बेसिन में दिखा था। ये छोटा है, ये मीडियम है और एक इससे बड़ा है, इसका फोटो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। यहाँ नीचे जो है ब्रश का कोटिंग दिया हुआ है, लग रहा है कि शायद अच्छा ही है। बहुत ही अच्छा, हमें लगा कि इतने कम दाम में दे रहा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसका जो कोड है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बाय चांस आपको अच्छा ना लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। जी मीशो में 7 डेज का रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी दोनों है। आप में से कई लोगों का सवाल भी देख रहा था कैसे रिटर्न करें कैसे एक्सचेंज करें, तो जहाँ पर आप ऑर्डर करते हो ना, तो वैसी ऑर्डर पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, नीचे दिख जाएगा जहाँ पर डिलीवर्ड लिखा था ना, उसी के नीचे रिफंड और एक्सचेंज करके ऑप्शन होता है वहाँ पर। तो अगर आप एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज पर क्लिक करो, अगर आपको रिफंड करना है तो रिफंड पर क्लिक करो, आपका सामान रिटर्न हो जाएगा। तो जी इसका दाम है 473 रुपये। 473 रुपये में 3 भगोने का सेट आया था, लार्ज मीडियम और स्मॉल, ऐसे करके ऐसे लग रहा है कि हम टी शर्ट और जींस का साइज बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पूजा वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा, हमने बताया भी है कि हमने विशेष उसमें प्रसाद बन रहा था। हाँ जी, तो जब दिखाते हैं आपको अगला सामान, एक सामान है मेरे हाथ में, एक सामान है जिया के हाथ में, तो खोलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल, और इसे हमने लिया था पापा के लिए, तो पापा बहुत दिन से कह रहे थे खरीदने के लिए लेकिन हमने खरीदा नहीं था, हमने कहा कि आप रुक जाओ एक साथ ही कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं उसी में आपका भी कर देंगे, तो हमने कर दिया। बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे पापा इसकी। यह समझ के आप क्या है, यह एक बोतल है और यह बोतल जो है कॉपर का है, इसके साथ में दिया हुआ है 2 ग्लास, खोल कर दिखाना। वाह, खुल ही नहीं रहा, हम ही खोल लेते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कितना इसमें साइंस है जो इससे नहीं खुल रहा है। तो ये देखिए, ये है जी कॉपर का ग्लास, एक कॉपर का बोतल है और एक कॉपर का ग्लास है, एक नहीं 2 ग्लास। अच्छा, इसको ये बोलने में इसे लेने का कारण यह है कि पापा बार बार बोला करते थे कि इसको ले लो, इसी में पानी पीना चाहिए, इसमें पानी रख करके कुछ देर के लिए छोड़ करके फिर पियेंगे तो फायदा होता है, इस पानी का हेल्थ के लिए अच्छा है। उसका क्या हेल्थ बेनिफिट है हमें तो नहीं मालूम है, अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिए। पहले तो सोच रहे थे कि लोटा खरीद ले, लेकिन सोचे कि नहीं चलिए लोटा नहीं, यही खरीद लेते हैं, आज के जमाने का स्टैंडर्ड है। क्या लोटा मतलब अलग ही मीनिंग समझ रही है, लोटा मतलब खेत नहीं है। पानी भी पीते हैं लोग लोटा से, नहाते भी है।
तो जी हमने लिया है एक कॉपर का बोतल और यह दो ग्लास, जिसे आप प्राइस पर आए हैं 555। अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हैं तो इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जी आप उस कोड को लेना, कॉपी करना, यहाँ से मीशो में जाकर पेस्ट करना, आपको यह प्रोडक्ट दिख जाएगा, आप लोग इसको ले लेना। तो जी आप दिखाते हैं आपको अगला सामान। अगला सामान क्या है? ये है फ्रीज ड्रॉर। नहीं, हमने सोचा कि फ्रिज के नीचे कुछ सामान सब रखना होगा तो ले लेंगे। ड्रॉर का सेट मिला है तो यहाँ लिया है हमने। जैसे आपका फ्रिज का वो जो खटाल बना हुआ है उसी खटाल के नीचे इसको सेट कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो भी आप फल काट करके में रख सकते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा सामान है फ्रिज का। बिल्कुल जी, तो हो सकता है कि मेरे काम आ जाए कि हमको जो भी अपना खाने का सामान होगा इसमें काट के फल सब इसमें रख देंगे, खाते रहेंगे। बिल्कुल खाएंगे। और अगर आप भी लेना चाहते हैं इसको, इसका प्राइस है 333 रुपया। इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो जी अब आपको हम दिखाते हैं अगला सामान। और अगला जो सामान है बड़ा भारी भरकम है, पता नहीं जी उठा भी पाएगी कि नहीं। आपको दिखा देते कैमरा पे इधर करके, ये देखिए बहुत भारी है ना। तो यहाँ असल में किचन का तो सामान नहीं है जी, यह रूम के डेकोरेशन के लिए, लेकिन सोचा कि चलिए यहाँ भी आपको दिखाई देते हैं। कल ही हम लोग आपको दिखाते बट ये सामान मिल ही नहीं रहा था, इसलिए इसे हमने कल की वीडियो में ही डाला। यहाँ भी एक सेल्फ है और इसका फोटो जो है हम आपको यहाँ बगल में दिखा देंगे, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और बाकी जब हम इसको सेट करेंगे और जो उसका फाइनल लुक आएगा वो आपको दिखाएंगे। तो होम डेकोर का एक प्रॉपर वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा और वहाँ लाएंगे। हो सकता है कि आपको भी कुछ अपना रूम का डेकोरेशन करने का कुछ आइडिया मिल जाएगा। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है जी, कोई फने का नहीं है इस फील्ड के, लेकिन जो भी अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं करेंगे। और अगर आपको भी अच्छा लगेगा यह आइडिया तो आप लोग भी अपना लेना। जैसे देख सकते हैं यह खटाल है और इसको आप लगा लेंगे पार्ट पार्ट, बहुत सारे इसके पार्ट दिए हुए हैं, सारा खोल के क्या दिखाए आपको। यह फोटो देख लो, यही है जी। और ये जितने भी सारे एक एक करके खटाल है, कल हम ड्रिलर को बुलाएंगे तो वो ड्रिल करेगा और इस खटाल को सेट करेगा और उसके ऊपर आप गुलदस्ता जैसे जैसे छोटा छोटा टुवाए हैं, वॉल क्लॉक हो गया, वो सब रख करके आराम से सजा सकते हो। जो भी एक्सपर्ट लोग उनको क्या बताना दी, आप लोग को तो मालूम ही है। आप लोग के पास भी कुछ अच्छा आइडिया है दीवार को सजाने का तो कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसका दाम है 1265 और इसका कोड भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो जी आप दिखाते हैं आपको अगला सामान। लेकिन अगला सामान दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में, क्योंकि वह यूज हो रहा है और उसको हम जो है पिछले 2-3 व्लॉग में भी दिखा चुके हैं जी। हमने लिया था मीशो से एक चूल्हा, 4 चूल्हा लिया था। वह कैसा लगता है और उसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, यह सब हमने डिटेल में नहीं बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल से बताएंगे। तो अब सीधा चलते हैं किचन। तो जी अगला जो सामान हमने लिया है वह लिया है 4 चूल्हा, देख रहे होंगे जो अभी यूज में है। और माँ अभी चाय बना रही है जो कि मेरे घर में हमेशा बनते रहता है। कितने टाइम बनता है चाय घर में? उसकी गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। तो यह लिया है जी हमने 4 चूल्हा। तो माँ से इसका फीडबैक भी पूछ लेते हैं, कैसा चूल्हा है? चूल्हा तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे अभी आदत नहीं है, कभी कभी मेरा हाथ सट जाता है गर्म में। अच्छा, उससे कम्फर्टेबल है और बहुत अच्छी बात है कि कम समय में ही हम ज्यादा चीज यूज कर सकते हैं। ये चीज याद हो गया क्या? कौन सा है? तो यह क्लॉक वाइज करके है, मतलब इसका फर्स्ट वाला सेकंड का ये तरह जो बर्नर है उसका है यह, और चौथा जो है बर्नर उसका है यह। अभी तो माँ से फीडबैक लिया, माँ कहे कि अच्छा है, बस इनको अभी बटन को याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। माँ हमेशा 2 चूल्हा यूज करती रही है, 4 चूल्हा का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है माँ का, और कुछ दिनों में हैबिचुअल भी हो जाएगी। और आप लोग में से बहुत लोग कमेंट भी क्या करते थे कि आपका चूल्हा बहुत पुराना हो गया, चेंज करो। लो जी अब चेंज कर दिया हमने। इसका कॉस्ट पड़ा था शायद 3200 के करीब और इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो। तो जी अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला सामान जो हमने मीशो से लिया है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे बगल में है टेबल, और टेबल के ऊपर जो कवर है यह टेबल कवर हमने लिया था, और यह टेबल कवर की क्वालिटी भी अच्छी ही है। हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, यूज किए हुए लगता है कि शायद 5 से 6 दिन हो चुका है, और अभी तक तो ऐसा कुछ इशू आया ही नहीं। सॉरी जी मैं उतना एक्सपर्ट रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, मैं जिस तरह से यूज कर रहा हूँ और मुझको जो जो दिख रहा है वह सब मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लोग भी टेबल कवर लेना चाहते हैं जिसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। तो जी अगला जो हमने सामान लिया है वो सामान दिखाने के लिए आगे सीढ़ी घर, क्योंकि यहीं पर वो सामान है, जिया उसके आगे बैठी है। तो जी हमने लिया है यह शू रैक, एक और शूज रैक लिया था लेकिन वो छोटा था, लेकिन उससे ये बड़ा है, इसमें 4 खटाल दिया। बिल्कुल जी, और यह बड़ा है लेकिन यह भी छोटा पड़ गया है जिया के लिए। ये बात अलग है कि वो भी छोटा पड़ गया। इसमें सिर्फ जिया के चप्पल जूते हैं, और वह भी जिया के कुछ जूते चप्पल जो है बाकी है रखना, और हमारे तो इसमें आए भी नहीं, एक भी नहीं।
और इसमें 4 खटाल है, तो अगर आप हमारी तरह कम जूते चप्पल रखते हैं तो आप ले सकते हैं इसे। अगर जिया की तरह ज्यादा जूते चप्पल रखना है तो इसका डबल साइज ले लीजिएगा। हम सोचे इससे बड़ा वाला एक ले लेंगे, ये वाला आपको दे देंगे और बड़ा वाला मैं ले लूंगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए यह लिया था हमने 664 रुपए में। अगर आप लोग भी इसे लेना चाहते हो तो इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ तो दिखा दिया कि हमने सीढ़ी घर में यह रखा है, तो चोरों को खुला आमंत्रण है, जिया के जूते चप्पल उड़ा के ले दो। सोचिएगा। तो जी यहाँ था हमारा आज का किचन हॉल। किचन का तो सामान था, उसके साथ भी कुछ सामान था जो हमने आपको दिखाया। तो यहाँ सब आपको कलेक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और कौन सा हॉल लेकर के आए वो भी बताइएगा जरूर। बिल्कुल जी, अब हम इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।